भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, छत्रपति शिवाजी महाराज की, छत्रपति शिवाजी महाराज की, संभाजी राजे की, जीजा माता की, भारत माता की। आज आपके इस श्रीरामपुर में छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती के इस शुभ अवसर पर, जो इतनी बड़ी संख्या में छत्रपति शिवाजी महाराज के मावले पधारे हैं, मैं आप सबको प्रणाम करता हूं। जब तक भारत देश का नौजवान, जब तक महाराष्ट्र का नौजवान अपना कर्तव्य नहीं समझेगा, अपने आप को हिंदू नहीं समझेगा, ना देश सुरक्षित रहेगा, ना धर्म सुरक्षित रहेगा। यहां पर उपस्थित सभी नौजवानों से मैं पूछना चाहता हूं, छत्रपति शिवाजी महाराज ने, संभाजी महाराज ने किसके लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया, मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, किसके लिए? अरे अगर छत्रपति शिवाजी महाराज ना होते तो क्या हम हिंदू होते? हम हिंदू होते क्या? लेकिन आज हमारे भारत देश का नौजवान, हमारे महाराष्ट्र का नौजवान अपने आप को सेक्युलर समझते जा रहा है, अपने आप को सेक्युलर तैयार कर रहा है। हमें ऐसा नौजवान नहीं चाहिए जो हिंदुत्व के लिए आवाज नहीं उठाता, जो हिंदुत्व के लिए नहीं लड़ता। हमें ऐसा नामर्द नौजवान नहीं चाहिए। हमें वो नौजवान चाहिए जो मैं छत्रपति शिवाजी महाराज का मौला बनूंगा, संभाजी महाराज का सेवक बनूंगा। हमें वो सोच वाला नौजवान चाहिए। आज छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती के शुभ अवसर पर पूरे महाराष्ट्र में भव्य रैली और सभाओं का आयोजन किया जा रहा है। 1630 में शिवनेरी पुणे में छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म होता है। जब छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म होता है, जब औरंगजेब का राज पूरे भारत में था, एक छोटी सी लड़की मंदिर में पूजा करने के लिए जाती है, हाथ में प्लेट और फूल और कुछ अगरबत्ती थी, छोटी सी लड़की। औरंगजेब की सेना जा रही है, औरंगजेब जा रहा है, सब लोग सर झुका के खड़े हुए थे। आपको पता है जब औरंगजेब का राज था तो कईयों मंदिरों को तोड़कर उस हरामी ने मस्जिदें बनवाई। एक मंदिर छुपा हुआ है, शिव मंदिर छुपा हुआ है। औरंगजेब जाते जाते देखता है कि यहाँ पर पूजा पाठ चल रहा है, अरे हमने तो सारे मंदिर तोड़ दिए, हमने तो मस्जिदें बनवा दी, ये मंदिर कैसा बच गया? सैनिकों को आदेश देता है मंदिर तोड़ने के लिए। मंदिर के सामने एक छोटी सी बालिका खड़े रहकर देखती है कि मेरे भगवान शंकर का मंदिर तोड़ा जा रहा है। गौ मास के टुकड़े उस पवित्र शिवलिंग पर डाला जा रहा है। बच्ची रोती है, तड़पती है, सबको देखती है, लेकिन कोई आवाज नहीं उठाता उस मंदिर की रक्षा के लिए। जब वही छोटी सी लड़की सौगंध खाती है कि जब मेरा विवाह होगा तो मेरा पुत्र होगा, तो मेरा पुत्र इस औरंगजेब से युद्ध करेगा, इस औरंगजेब को जवाब देगा, वो है हमारी जीजा माता और वो है पुत्र छत्रपति शिवाजी महाराज। आज हमारी बहन बेटियां इस सभा में बहुत कम है,
लेकिन आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं, जब भी धर्म के प्रति कार्य हो, सभा हो, आपके घर की बहन बेटियों को सभा में लेकर आना प्रारंभ करें। आपके साथ में आपकी बहन हो, आपकी बेटी हो, आपकी माँ हो, सभा में लेकर आइए। सभी से मैं निवेदन करना चाहता हूं, जीजा माता ने शिवाजी को लाड प्यार तो किया, लेकिन बचपने से एक योद्धा बनाया, सभी ग्रंथों का ज्ञान दिया, युद्ध नीति सिखाई, तब जाकर आज हम गर्व से कहते हैं कि हाँ, हम छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे हैं। गर्व से कहते हैं। और आज हमारे महाराष्ट्र में कुछ लोग कहते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने स्वराज्य के लिए लड़ा, हिंदू राज के लिए नहीं लड़ा। बहुत सारे नेता कहते हैं, तो मैं उन नेताओं को कहना चाहूंगा, उन गद्दारों को कहना चाहूंगा कि इतिहास तुम्हारे जैसे लोग बोलने से नहीं बदलेगा। छत्रपति शिवाजी महाराज ने हिंदुत्व की रक्षा की, हिंदवी स्वराज की स्थापना की, स्वराज के लिए भी उन्होंने लड़ाई लड़ी। और छत्रपति शिवाजी महाराज ने किससे युद्ध किया, मैं उस गद्दार उन नेताओं को कहना चाहूंगा कि इतिहास बदलने का प्रयत्न ना करे, नहीं तो तुम्हारा इतिहास बदल जाएगा। आज वही लोग कहते हैं कि हम भी छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे हैं, और छत्रपति शिवाजी महाराज की सेना में ये हरामी लांडे भी थे। क्या मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, क्या कोई लांडा था क्या उनकी सेना में? था क्या? अरे छत्रपति शिवाजी महाराज ने जितने भी युद्ध किए, इन हरामी लांडों से युद्ध किए। अरे छत्रपति शिवाजी महाराज को देखकर औरंगजेब भी डरता था और सेना भी डरती थी। जब छत्रपति शिवाजी महाराज का घोड़ा चलता था तो शिवाजी महाराज के घोड़े की जो आवाज होती थी टप टप, वो सुनकर ये लांडे हथियार फेंक कर भाग जाते थे। अरे वो थे हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज। अरे अगर सचमुच में शिवाजी महाराज का इतिहास जानना है तो अफजल खान का वध एक बार पढ़ ले। अरे YouTube पे मिलेगा, Google में मिलेगा, नहीं तो हमारे सागर भाई से मिलो, आपको एक किताब दे देंगे कि कैसा हमारे शिवाजी ने अफजल खान का सीना फाड़ कर भगवा लहराया था। भगवा वो थे हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज। लेकिन वही समय पर औरंगजेब जिन जिन राजाओं पर हमले करता था, राजाओं को हराता था, तो उनकी बहन बेटियों से, रानियों से बलात्कार करते थे वो समय पर। अरे एक तरफ औरंगजेब की सेना, दूसरी तरफ हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज की सेना। हमेशा से छत्रपति शिवाजी महाराज ने नारियों का मान सम्मान किया, हमेशा से वो थे हमारे राजा। लेकिन आज हमारी बहन बेटियों को लव जिहाद के नाम पर फंसाया जा रहा है। छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा को हमारे श्रीरामपुर चौरस्ते पर बिठाने के लिए जब कई वर्षों से कार्यकर्ता संघर्ष कर रहे हैं, तो यहाँ के कमीने कहते हैं कि नहीं बिठाना है। सागर जी ने बहुत अच्छा कहा कि हम किसी भी हालत में श्रीरामपुर चौक में शिवाजी महाराज की प्रतिमा स्थापित करके रहेंगे। क्या सागर जी का आप साथ दोगे? सब लोग कदम से कदम मिलाकर उनका साथ दोगे? श्रीरामपुर चौक पर शिवाजी महाराज की प्रतिमा स्थापित करोगे? और
उस प्रतिमा का जो भी नेता विरोध करेगा उसको नस्तो नाबूद कर दो, चाहे वो किसी भी पार्टी का नेता क्यों ना हो। पहले और अब के महाराष्ट्र में बहुत परिवर्तन आ चुका है। महाराष्ट्र का अगर इतिहास उठाकर देखेंगे तो हिंदुत्व के लिए लड़ाई लड़ने वाले योद्धाओं का निर्माण महाराष्ट्र में हुआ है और आगे भी होगा। एक तरफ हमारे शिवाजी महाराज ने महिलाओं का सम्मान किया तो दूसरी तरफ आपके इस श्रीरामपुर में नौ जिहाद के नाम पर बहन बेटियों को फंसाकर बेचा जा रहा है। आपको याद होगा कि महाराष्ट्र में श्रद्धा वालकर हो, रूपाली हो, उर्वशी हो, इन सभी नारियों को लव जिहाद के नाम पर फंसाया गया। श्रद्धा को तो दिल्ली में ले जाकर 35 टुकड़े इन हरामियों ने किए, 35 टुकड़े। आज हमारी महिलाओं को मैं संदेश देना चाहूंगा कि आपको जीजा माता का इतिहास पढ़ने की आवश्यकता है, झांसी की रानी का इतिहास पढ़ने की आवश्यकता है, अहिल्याबाई होलकर का इतिहास पढ़ने की आवश्यकता है। इतिहास पढ़ना है और अपने बच्चों को पहले बताना है कि किससे हमें दोस्ती करना है और किससे हमें दूरी बरतना है। हम लोग सोचते नहीं, हम बताते नहीं, हम लोग शर्माते हैं। क्या यार हमारी लड़की को, हमारी बेटी को लव के बारे में कैसा बोले, जिहाद के बारे में कैसा बोले। सोचते हैं ना कि एक भाई हो या बाप हो या छोटा भाई हो या बड़ा भाई हो, सोचते लव जिहाद के बारे में हम कैसा हमारी बहन बेटी को समझाए, कैसा बोले हम लोग। ठीक है यार हमारे घर में तो कुछ नहीं होगा, अरे यार छोड़ो यार, हम तो बजरंग दल के है, विश्व हिंदू परिषद के संघ के है, हम तो श्रीराम सेना के, हमारे पास कुछ नहीं होगा। बोलने वालों के ही घर में ये लोग डाका डाले, सो कई ऐसे केसेस हमने देखे थे। हम लोग बाहर तो भगवा झंडा लेकर घूमते हैं लेकिन घर में उस भगवे झंडे का महत्व और लव जिहाद के बारे में हम प्रचार नहीं करते। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहूंगा, आज से एक कसम खाना है आप सबको कि पूरे के पूरे दिन में सिर्फ एक 10 मिनट हम हमारे परिवार में जो हमारी बहन बेटी होगी उसको हम जो देश में जो वातावरण चल रहा है उसके लिए हम हमारी बहन बेटी को बताएंगे। लव जिहाद क्या षड्यंत्र है उसके बारे में हम हमारी बहन बेटी को बताएंगे। अगर जिस दिन से आप ये प्रारंभ कर दें और आप करने के बाद में आपके पड़ोस में, अड़ोस में, कॉलोनी में जितने भी रिश्तेदार हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचार करो कि एक आधा घंटा या 10 मिनट हमारे देश में जो वातावरण चल रहा है उसके बारे में चर्चा करो। और जहां कहीं भी लव जिहाद का कोई केस हो जाता है तो तुरंत उसको वायरल करो और बताओ कि देखो बहन, देखो बेटी, आज हमारी एक बहन बेटी को उठा कर लेकर चले गया गया। तेलंगाना में आज ही एक मर्डर हुआ, कल शाम में एक मर्डर हुआ, हिंदू लड़का मुस्लिम लड़की प्यार हो गया, उस लड़के के घर पर जाकर उसका मर्डर कर दिया, मार दिया उसको। तो सिर्फ तेलंगाना ही नहीं, बहुत सारे क्षेत्र में हिंदुओं को टारगेट करके मारा जा रहा है। आप सबको पता होगा कि लव जिहाद के लिए एक सेपरेटली एक सेना का निर्माण किया गया इन गद्दारों द्वारा, और हर बहन बेटी का, हर समाज की बहन बेटी का एक एक रेट फिक्स किया गया। अगर ब्राह्मण की लड़की हो तो 5 लाख, राजपूत की लड़की हो तो 4 लाख, ओबीसी एससी एसटी की लड़की है तो 2 लाख रुपए, जैन समाज की लड़की 3 लाख रुपए, गुजराती समाज की लड़की को 6 लाख रुपए, सिख लड़की की बहन बेटी अगर है तो 7 लाख रुपए, हमारे मराठी समाज की लड़की है तो उसको 6 लाख रुपए दिया जा रहा है। इन लांडों को कौन दे रहे हैं, कहां से आ रहा है इनके पास पैसा जो कन्वर्शन के लिए, लव जिहाद के लिए इनको पैसा दिया जा रहा है, कौन दे रहा है।
आज पूरे भारत में एक ऐसे ऐसे संगठन पूरे फैल चुके हैं जो फाइनेंशियली फिजिकली इन हरामियों को पैसा दे रहे हैं, हमारी बहन बेटियों को फंसाने के लिए। उनको फंसाते हैं, शादी करते हैं, बच्चा पैदा करने की मशीन बनाते हैं, अगर वो नहीं मानती है तो उसको धंधा करने के लिए बेच देते हैं। कईयों ऐसे केसेस हमने देखे, पाकिस्तान में बेचा गया, सऊदी में बेचा गया, जहां जहां पर इस्लामिक राष्ट्र है वहां वहां पर हमारी हिंदू बहन बेटियों को डाल डाल कर बेचा गया, ऐसे कईयों केसेस हमने देखे। अरे आपके श्रीरामपुर में एक गैंग बहुत एक्टिव है जो लव जिहाद के नाम पर ही वो कार्य करती है, बहुत सारी हमारी बहन बेटियों को इन्होंने फंसाया है, इन्होंने बेचा है। अरे कुछ ही दिन पहले 16 साल की एक लड़की को एक लव जिहादी उठा ले जा रहा था, 16 साल की लड़की को, तो यही हमारे सागर जी के ग्रुप ने उसको पकड़ा है ट्रेन में जाकर, उस लड़की को बचाया है, ऐसे कईयों लड़कियों को इनका ग्रुप द्वारा बचाने का कार्य चल रहा है। और ऐसे कईयों संगठन है जो लव जिहाद के नाम पर कार्य करते हैं, उनको एक समय पहले पुलिस प्रशासन से भी सहयोग था, कुछ पुलिस के बड़े ऑफिसर भी उनको सहयोग करते थे। 3-3 साल हमारी बहन गायब है, हमारी बेटी गायब है, कंप्लेंट ले लो, कोई कंप्लेंट लेने वाला नहीं था। लेकिन यही ऑर्गेनाइजेशन, कईयों हिंदू ऑर्गेनाइजेशन विरोध किया, तब जाकर इंक्वायरी बैठी, लड़की मिली और वो एक ऑफिसर पता नहीं अभी गायब है, किस क्षेत्र में है पता नहीं। उसके बाद में एक ऑफिसर आया, उसने भी ऐसे ही किया, उसका भी आज तक पता नहीं कि वो किधर है। आप सबको मैं बताना चाहूंगा कि नवरात्रि का अवसर जो होता है हमारे लिए बहुत ही पवित्र अवसर होता है, हम लोग गरबा खेलते हैं, हमारी बहन बेटी गरबा खेलती है, पूरे भारत में जहां जहां गरबा का कार्यक्रम होता है यही लव जिहादियों की गैंग एक्टिव होकर तिलक लगाकर हमारे गरबा में इंटर होते हैं, हमारी बहन बेटियों को कॉन्टेक्ट नंबर देकर उनको फंसाते हैं। एवरी ईयर हर साल पूरे भारत में 4,000 से 5,000 लव हजियात के केसेस ये गरबा के ही माध्यम से सामने आ रहे हैं। मैं आज पूछना चाहता हूं पुलिस प्रशासन से, क्यों नहीं आप तूफान आने से पहले ही उसको रोकने का प्रयत्न करते हैं, क्यों नहीं? अरे आज हमारी बहन बेटियों को ये लोग टारगेट कर रहे, कल आपकी भी बहन बेटी पे लोग टारगेट कर सकते हैं, ये बात ध्यान रखना। और हमारे पुलिस के अधिकारियों से कहना चाहूंगा कि इन लव जिहादियों को जो हमारा दांडिया उत्सव है इसमें अगर कोई लव जिहादी इंटर होगा तो इनको आप रोके, नहीं तो हमें कैसे रोकना है पता है। फिर आने वाले समय में अगर लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब होगा तो हमें नहीं कहना कि तुम्हारे द्वारा, तुम्हारी वजह से लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब हो गया है, हमें नहीं कहना। साथ ही साथ लैंड जिहाद, लव जिहाद, अभी लैंड जिहाद के नाम पर जहां पर सरकारी जमीन दिखी वहां पर कब्जा। अभी मैं एयरपोर्ट से नजदीक आ रहा था तो वहां के संघ के अधिकारी मिले, उन्होंने कहा कि ये जो जगह है ना 22 एकड़, हमने इस मंदिर के पूरे लैंड को हमने कब्जा किया है, इनके हाथों से हमने निकाला है। और यहाँ की जो भी प्रेजेंट में सरकार है, जो मुख्यमंत्री है, इन्होंने हमें सहयोग किया है। मैं धन्यवाद प्रकट करता हूँ शिंदे जी का कि इसी प्रकार से आपका सहयोग अगर हिंदुत्व के साथ रहेगा तो आपके ऊपर पूरे हिंदू समाज का आशीर्वाद भी आपको रहेगा, आपके ऊपर भी रहेगा। लेकिन शिंदे जी की एक और एक तारीफ करूंगा, मैं कभी पॉलिटिक्स बात नहीं करता हूं, राजनीति को मैं दूर दूर रखता हूं, हो सके तो आने वाले समय में मैं भी राजनीति से दूर होने वाला हूं।
क्योंकि धर्म कार्य में जो भगवान का आशीर्वाद मिलता है ना, वो राजनीति में नहीं मिलता है, क्योंकि राजनीति में सेक्युलर होना पड़ता है और मुझे वो स्वीकार नहीं है। मैं शिंदे जी से निवेदन करना चाहूंगा कि जिस तरह से प्रतापगढ़ में अफजल खान की खबर को उखाड़ फेंक दिया आपने, मलंगगढ़ में भी कोई बाबा की खबर बनी हुई है उसको भी उखाड़ फेंकना बाकी है, आपको काम बहुत बड़ा है। विशालगढ़ में कोई रैन बाबा उसको भी उखाड़ फेंकना है, वहां पर भी एक दरगाह बनी हुई है। साथ ही साथ आपके इस रौड़ी तालुका में भी गुआ गांव में कोई काफिर नाथ, ये एक अपना हमारा मंदिर है कनिष्ठ नाथ, जो हमारा कनिष्ठ नाथ जो मंदिर है वहां पर पुलिस कहती है, प्रशासन कहता है कि आप आरती कर सकते हैं, लेकिन वहां पर आरती करने के लिए ये लांडे हमें जाने नहीं देते, उसको भी इन्होंने कब्जा किया है। साथ ही साथ जैसे सागर जी कह रहे थे कि हमारे यहां श्रीरामपुर में बहुत सारे मंदिर हैं जहां पर इन्होंने इनलीगल कब्जा किया है, मैं एक वीडियो इनका देख रहा था, एक खबर को ये लोग तोड़ रहे थे, नारद मुनि जी का कोई मंदिर है वहां पर एक खबर बनी हुई थी, इसको तोड़ रहे थे। बहुत अच्छा काम किया, मैंने शाबाशी दिया इनको, कैसे जितने भी है सबको तोड़ते जाओ, जितना आप लोग तोड़ोगे ना उतना हिंदुत्व बढ़ेगा। ये सिर्फ एक श्रीरामपुर में ही कब्जा नहीं है, आपको बताना चाहूंगा छत्रपति शिवाजी महाराज के 370 किले हैं, 370 किलो में से 25% किलो में या किसी किले पे मजार बना हुआ है, या किसी किले पे दरगाह बनी हुई है, या कहीं हाजी बैठा हुआ है, या कहीं बाबा बैठा हुआ है, सब पर इल्लीगल कब्जा हो चुका है। जिस तरह से प्रतापगढ़ किले को आपने मुक्त कराया मुख्यमंत्री जी, इन तमाम कामों को, इन तमाम कब्जों को मुक्त करवाए, ये मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा। और महाराष्ट्र की जनता को कहना चाहूंगा, जो हिंदू के लिए कार्य करेगा, जो हिंदू कार्यकर्ताओं को सहयोग करेगा, उन्हीं को आशीर्वाद मिलेगा महाराष्ट्र की जनता का, और वही राज करेगा। अरे जो हिंदुत्व की बात करेगा वही महाराष्ट्र में राज करेगा, हमें डुप्लीकेट हिंदू नहीं चाहिए भैया, हमें डुप्लीकेट हिंदू नहीं चाहिए, हमें तो ओरिजिनल वाला मुख्यमंत्री चाहिए। आप सबको पता है कि महाराष्ट्र में एक शेर हुआ करते थे जिनको हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे कहते थे, मैं आज उनका परम भक्त हूं। हमारे बाला साहेब जी की कुछ बातें मुझे याद आती है, उन्होंने बैठ गए एक इंटरव्यू में और वहां बैठा हुआ रजत शर्मा, वो रजत शर्मा पूछता है कि बाला साहेब अगर आपको देश का प्रधानमंत्री बना दे तो आप क्या करोगे, तो वो एकदम डायरेक्टली फायर करने वाले इंसान। तो पहले जितने भारत में जो देशद्रोही लांडे हैं उनको मैं साफ करूंगा, और ये अरेस्ट, ये FIR ये मैं नहीं करूंगा, डायरेक्ट गोली मारूंगा। तो वो मीडिया वाला परेशान, अरे ये क्या है, हाँ हम ऐसी है, देश सुरक्षित अगर रखना है तो देश के कीड़ों को कॉकरोचों को प्यार से हकाला नहीं जाता, एक्सप्रे मार के खत्म किया जाता है। तो उस मीडिया मित्र ने पूछा कि ठीक है भारत देश का नौजवान कैसा होना चाहिए, क्या आप जैसा होना चाहिए, क्या एक अच्छा राजनेता होना चाहिए। तो बाला साहब ने कहा कि मेरे भारत देश का नौजवान ना मेरा जैसा ना राजनेता और ना ही मंदिर में घंटा मारने वाला, जो
हिंदुत्व के खिलाफ खड़ा होगा, जो देश के खिलाफ खड़ा होगा, जो लौ यादव लैंड यादव गौ हत्या जो करेगा, ऐसे लांडों को ठोकने वाला नौजवान चाहिए। ये थे हमारे बाला साहब ठाकरे। आज मैं सभी से निवेदन करना चाहूंगा कि एक बार उनका भाषण सुने, सुनना नहीं है उस पर इम्प्लीमेंट भी करना है आपको। लेकिन आज जहां देखो वहां पर आतंकवादी मिल रहे हैं। आपके श्रीरामपुर में भी एक आतंकवादी हरामी मिला था, इससे पहले जर्मन बेकरी में उसने ब्लास्ट किया था। सुना है कि यहां पर कोई एक बड़े नेता है, नेता का बेटा है वो, और आज वीआईपी बन के घूम रहा है। यानी देशद्रोही भी अब वीआईपी बनेंगे, आतंकवादी भी अब वीआईपी बनेंगे। हमारे एक भाई ने एक बहुत अच्छा कार्य किया, शरद भैया आपको धन्यवाद। भले ही वो जाने अनजाने में कुछ भी होगा, लेकिन सब लोगों को अगर ऐसे आतंकवादी कीड़े मिलेंगे ना, तो उनको ऐसे ही मसलना है। अरे एक तरफ लो जिहाद, एक तरफ लैंड जिहाद, दूसरी जगह। मैं आप सबको एक बात पूछना चाहता हूं, क्या आप लोग भारत को हिंदू राष्ट्र चाहते हो या इस्लामिक राष्ट्र चाहते हो? हिंदू राष्ट्र चाहते हो ना? आप लोग कभी शॉपिंग करने गए हो? मॉल में हो, दुकान में हो, किराना स्टोर, सब लोग जाते हैं ना शॉपिंग करने। क्या खरीदते हो वहां पर? जैसे दाल हो गया, चावल हो गया, टूथपेस्ट हो गया, बहुत सारे हैं जो घर के उपयोग में जो काम आते हैं, सभी लोग खरीदते हैं ना। लेकिन आप लोग आतंकवादियों को पैसा दे रहे हो। आपका भविष्य खत्म करने के लिए, आपके बच्चों को खत्म करने के लिए, भारत में बम ब्लास्ट करने के लिए आतंकवादियों को आप पैसा दे रहे हो, जाने और अनजाने में। आज के बाद कहीं पर भी जाओ, कुछ भी खरीदो, जैसे हम एक तेल का पैकेट क्यों ना खरीदते हो, उसके पीछे देखो कहीं हलाल सर्टिफिकेट तो नहीं है। हलाल क्या है ये? एक जमाना पहले हलाल माने मांस होता था। ये जो गोल्ड टोपी वाले जो है ना, ये लोग बकरे को एक साइड मुंह करके बकरे की गर्दन पर छुरी चला के उसकी जो नस होती है उसको काट के उसको बकरे को हलाल कर देते, और वही मांस ये लोग खाते थे, उसको कहते थे हलाल। ये इस्लामिक कंट्री में स्टार्ट हुआ हलाल। लेकिन अब मांस नहीं, अब तेल भी हलाल बिक रहा है, चावल हलाल बिक रहा है, टूथपेस्ट हलाल बिक रहा है, हल्दीराम हलाल बिक रहा है, हिमालय कंपनी वाले हलाल प्रोडक्ट बेच रहे हैं। ऐसे बहुत सारे खाने पीने के आइटम है जो हलाल सर्टिफाई है। हमारी महिलाएं आजकल शॉपिंग कहीं भी करने जाती है, महिलाएं के जितने भी जो श्रृंगार का जो आइटम मिलता है उस पर भी हलाल सर्टिफिकेट आपको एक स्टैम्प मिलेगा। ये कौन है जो हलाल सर्टिफाई का आइटम बेच रहे हैं? ये आतंकवादियों को सहयोग करने वाली एक संस्था है, जमीयत उलेमाए हिंद, जमीयत उलेमाए महाराष्ट्र, हलाल सर्टिफिकेशन इंडिया। ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जो 2006 में ब्लास्ट हुआ था मालेगांव, 2611 मुंबई ब्लास्ट, 2611 मुंबई आतंकवादी हमला, अहमदाबाद में जो ब्लास्ट हुआ था, उन तमाम आतंकवादियों को फाइनेंशियली सपोर्ट करने वाली यही संस्थाएं हैं। आप कौन से भी मॉल में चले जाओ, यहां पर कोई भी मॉल होगा, अगर आप वहां पर जाओगे मॉल में 70% हलाल सर्टिफाइड आइटम आपको बिकेंगे, आपको दिखेंगे। क्या इनका विरोध करना हमारा कर्तव्य बनता है या नहीं बनता है? बनता है ना। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है, इस्लामिक राष्ट्र बनाना है, तो आज के बाद कुछ भी खरीदो देखकर खरीदो। आज के बाद कुछ भी खरीदो तिलकधारी से खरीदो। आज के बाद हम फूल खरीदेंगे या तीली खरीदेंगे,
एक रुपए की चीज भी अगर हम खरीदेंगे तो हिंदू से खरीदेंगे, ना कि लो जिहादी से खरीदेंगे। क्या हम ये कर सकते हैं? क्या हम कर सकते हैं क्या ये काम? मेरे भाई, अगर आप हिंदू से खरीदोगे तो वो हिंदू का फायदा होगा, अगर दूसरे से खरीदोगे तो वही लो जिहाद के लिए उन जिहादियों को पैसा देगा और वही बहन बेटियों को टारगेट करेगा। हमारे मित्र कह रहे थे कि भैया, जैसा जैसा चुनाव आता है हमारे नेता पागल हो जाते हैं, वोट के भिखारी हो जाते हैं हमारे नेता। और बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो भगवे टोपी को बाजू रखकर हरी टोपी पहनकर दरगाहों को चले जाते हैं, और वही दरगाहों के बाहर हो या उनके मकान के पास हो, हमारे नेताएं अन्नदान का प्रोग्राम लगाते हैं। ये लोग कभी हनुमान जयंती पे अन्नदान प्रोग्राम नहीं लगाते, शिव जयंती पे अन्नदान प्रोग्राम नहीं लगाते, और बहुत सारे लोग जाकर उस दरगाह पर मन्नत मांगते हैं। तो मैं उनको कहना चाहूंगा और आपको भी पूछना चाहूंगा, क्या आप लोग कभी गए दरगाह में? कभी मांगा है मन्नत? अरे जो व्यक्ति मन्नत मानता है उसके घर में शिवाजी नहीं अफजल खान पैदा होता है। अफजल खान चाहिए या शिवाजी चाहिए? और यही सेक्युलर नेता कहते हैं कि हम दोनों तो भाई भाई हैं। हमारे जैसे लोगों को ये लोग कहते हैं कि तुम लोग लड़ाने वाले हो, अरे हम हमारे में तो भाईचारा है। तो उन गद्दारों को कहना चाहूंगा कि कभी शिवाजी महाराज और औरंगजेब भाई भाई नहीं हो सकता। हो सकता है क्या? अरे कभी भी महाराणा प्रताप और अकबर भाई नहीं हो सकता। अरे वंदे मातरम बोलने वाला और वंदे मातरम का विरोध करने वाला क्या भाई भाई हो सकता है क्या? अरे हम तो भारत माँ की जय बोलकर प्राण दे सकते हैं, ये लोग तो भारत माँ की भी जय नहीं बोल सकते। क्या ये लोग हमारे भाई है क्या? हो सकते हैं क्या? हाँ, विचार करेंगे अगर तुम्हारे में परिवर्तन आएगा तो। जिस दिन तुम गौ माता की पूजा करोगे, जिस दिन तुम वंदे मातरम गाओगे, जिस दिन तुम भारत माता की जय कहोगे, लो जिहाद जैसे गंदी हरकतें तुम छोड़ दोगे, तो उस दिन हम विचार करेंगे कि तुम लाडनों को भाई बनाना है या नहीं बनाना। आज मैं शिरडी गया बाबा जी के दर्शन कराऊं। मैं जहां जाता हूं वहां के प्राचीन मंदिर के दर्शन करता हूं। मैंने देखा कि लाखों करोड़ों रुपए हमारे मंदिरों में आ रहे हैं। तिरुपति बालाजी मंदिर, शिरडी, बहुत प्राचीन मंदिर। ऐसे भारत में लाखों की संख्या में हमारे मंदिर है और लाखों करोड़ों भक्त जाकर वहां पर पूजा पाठ। और यथाशक्ति अनुसार हुंडी में हम लोग पैसे डालते हैं ना, डालते हैं ना, लेकिन आपको पता है जितने हम पैसे डालते हैं वो धर्म के लिए काम नहीं आता, नहीं आता। हमें प्रधानमंत्री मोदी जी से एक निवेदन करना है। मोदी जी, जब मुसलमानों के लिए वक्फ बोर्ड हो सकता है, मुसलमानों के लिए पर्सनल लॉ हो सकता है, तो 100 करोड़ हिंदुओं के लिए सनातन बोर्ड क्यों नहीं? हिंदू पर्सनल लॉ बोर्ड क्यों नहीं? मोदी जी, आज अरबों खरबों रुपए हमारे मंदिरों के अकाउंट पर पड़े हुए हैं। उन मंदिरों में से 20% भी अगर आप मठ मंदिरों के निर्माण के लिए लगाओगे, जो हिंदुत्व के प्रति कार्य कर रहे हैं उन कार्यकर्ताओं को जेलों में डाला जा रहा है, उनके ऊपर इलीगल केसेस बुक करके जेलों में डाला जा रहा है, अगर उनको छुटाने में और उनकी रक्षा के लिए, अगर उनके सहयोग के लिए, उनके परिवार के सहयोग के लिए अगर लगाते हैं, तो मैं आज चैलेंज करता हूं, एक भी आतंकवादी भारत में जिंदा नहीं बचेगा, कोई नहीं रहेगा। और वही 20% से गुरुकुलों का निर्माण हो, वही 20% से धर्म का प्रचार हो, ये कार्य करना है। और हिंदुओं के लिए भी एक पर्सनल लॉ हो,
आज हमें यह भी डिमांड करना है मेरे भाइयों, और यह हो सकता है क्योंकि 75 साल में कभी कोई ऐसी सरकार नहीं आई, लेकिन आज भगवाधारी सरकार है केंद्र में भी, विश्वास है ना। और महाराष्ट्र में बाला साहेब ठाकरे जी की विचारधारा की सरकार है महाराष्ट्र में, तो हमारे शिंदे जी से निवेदन करना चाहूंगा कि पहला कार्य आपको महाराष्ट्र से प्रारंभ करना है, और शिंदे जी से निवेदन करना चाहूंगा कि आपको एक राउंड यूपी का मारना है। योगी जी से आपको मिलना है शिंदे जी, क्योंकि महाराष्ट्र की पवित्र धरती पर एक हरामी था दाऊद इब्राहिम लांडा, जिसने बम धमाके करके 300 से अधिक निर्दोष लोगों को मार दिया था, हजारों की संख्या में बच्चे बूढ़े लोग घायल हुए थे। वही दाऊद इब्राहिम की प्रॉपर्टी महाराष्ट्र में 75,000 करोड़ की है। जब भी वो प्रॉपर्टी नीलाम करती है सरकार, कोई भी वो प्रॉपर्टी खरीदने नहीं आता उस हरामी से डर के। तो शिंदे जी आपसे निवेदन है, जितनी प्रॉपर्टी दाऊद इब्राहिम की है 100 बुलडोजर आपको खरीदना है। योगी जी वाला स्टाइल महाराष्ट्र में भी प्रारंभ करना है आपको। जहां जहां पर दाऊद इब्राहिम की प्रॉपर्टी हो उस पर बुलडोजर चढ़वाए और जनता के लिए टॉयलेट बाथरूम बनवाए। जहां जहां पर लाइन जिहाद के नाम पर रोड पर कुछ बनाकर उस पर हरा कपड़ा डालकर उसको कुछ की बना देते हैं, उस पर भी बुलडोजर चढ़वा दे। जैसे योगी जी को बुलडोजर बाबा कहा जाता है, शिंदे जी आने वाले समय में आपको भी बुलडोजर बाबा ही बनना है महाराष्ट्र में। ये मैं नहीं, महाराष्ट्र के हिंदुओं की हुंकार है और महाराष्ट्र के हिंदुओं की मांग भी है। अरे आज कुछ लोग औरंगाबाद का नाम बदलने से तड़प रहे हैं, कुछ लोग उस्मानाबाद का नाम बदलने से तड़प रहे हैं। मैं उन लांडों को कहना चाहूंगा, बेटा ये तो शुरुआत है। अरे अहमदनगर का नाम भी बदलेगा, अहिल्याबाई नगर का नाम पूरा का पूरा इंप्लीमेंट होगा, उसका नाम मिटा देंगे हम अहमदनगर का, और हमारी माता का नाम लगाएंगे अहिल्याबाई लोग, होलकर का नाम लगाएंगे हम लोग, और हैदराबाद का नाम भी भाग्यनगर करेंगे। अरे कुछ लोग कहते हैं कि हमारा जन्म औरंगाबाद में हुआ और हम मरेंगे भी औरंगाबाद में, तो उन हरामियों को कहना चाहूंगा, बेटा तेरा जन्म तो औरंगाबाद में हुआ लेकिन तू मरेगा संभाजीनगर में। तू मरेगा तो हिंदू राष्ट्र में। तुम क्या, तुम्हारे बाप के बाप भी अगर आएंगे तो अब नाम नहीं बदल सकेंगे, अब नाम बदल नहीं सकेंगे, क्योंकि आज का हिंदू जागरूक हो चुका है मेरे भाइयों। आज का हिंदू की डिमांड है कि भारत देश को अखंड हिंदू राष्ट्र बनाए। आज का हिंदू चाहता है कि मेरा भारत देश अखंड हिंदू राष्ट्र बने। हिंदू राष्ट्र बनना है ना। अरे जब 50 से अधिक इस्लामिक देश हो सकते हैं, 150 से अधिक ईसाई देश हो सकते हैं, तो 100 करोड़ मेरे हिंदू भाई यहाँ पर रहते हैं भारत में, 100 करोड़ हिंदुओं की संख्या ज्यादा है भारत में, तो भारत देश क्यों हिंदू राज घोषित ना हो। चाहे कोई भी रोके, कोई भी टोके, लेकिन 2025 और 2026 में भारत देश अखंड हिंदू राज घोषित होने वाला है। ये मैं नहीं, भारत के साधु संतों की हुंकार है और उनकी भविष्यवाणी है।
धीरेन्द्र शास्त्री जी जो बागेश्वर धाम के महंत हैं, आज डंके की चोट पर कहते हैं कि मेरा भारत देश हिंदू राष्ट्र बनेगा। कोई माई कलाल में दम नहीं है जो भारत देश को हिंदू राष्ट्र बनते रोक ले। मैं धीरेन्द्र शास्त्री जी का धन्यवाद प्रकट करता हूं जो हिंदुत्व को जगाने के लिए जो आप कार्य कर रहे हैं। पूरे भारत का हिंदू आपके साथ है महाराज, आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। और मेरा भारत देश जब हिंदू राष्ट्र बनेगा तो साधु संत कहते हैं कि हमारे भारत देश की राजधानी हिंदू राष्ट्र भारत देश की राजधानी दिल्ली नहीं होगी, हमारे हिंदू राष्ट्र भारत की राजधानी काशी होगी या मथुरा होगी या अयोध्या होगी। और भारत देश हिंदू राष्ट्र भारत में गौ हत्या नहीं होगी, लैंड जिहाद नहीं होगा, कन्वर्शन नहीं होगा, और जो भी लांडा लव जिहाद करेगा, अरे बेटा तुम आधे कटे हो पूरे काट देंगे। हमारे हिंदू राष्ट्र में लव जिहाद के लिए जगह नहीं होगी। और हमारे हिंदू राष्ट्र में जो पांच बार तुम लोग जो पुकारते हो ना, वो पुकारने के लिए भी तुम्हें भोपू नहीं मिलेगा। जितने भोपू होंगे योगी वाले स्टाइल में सबका काम तमाम कर देंगे। मैं यहाँ के सभी नौजवानों से आज ये निवेदन करना चाहूंगा, क्या धर्म की रक्षा करना है? करना है ना? अगर धर्म की रक्षा करना है, आपको ज्ञान अगर प्राप्त करना है, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ो। अगर आपको धर्म का प्रचार करना है, विश्व हिंदू परिषद या हिंदू जन जागृति समिति से जुड़ो। अगर किसी लांडे को बजाना है, अगर किसी लांडे को बजाना है तो सागरवाई से जुड़ो या बजरंग दल से जुड़ो। मैं यहां के तमाम नौजवानों से पूछना चाहूंगा, देश की रक्षा करना है? धर्म की रक्षा करना है? भारत देश को हिंदू राष्ट्र बनाना है? तो अपने फोन की लाइट खोल कर आपका समर्थन दो।